हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जिसे क्रिवको भी कहा जाता है। और थोड़ा सा हम क्रिवको के बारे में जान लेते हैं कि क्रिवको है क्या और बेसिकली इसका हेड सेंटर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, जो क्रिवको है वो एक फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी है, जो सेंटर लेवल की कंपनी है और ये जो है फर्टिलाइज़र और यूरिया वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। और इसमें जो वैकेंसी आई है वो जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर्स की आई हुई है। तो मैं अभी आपको पूरा विवरण बताऊंगा कि क्या क्या इसमें वैकेंसी है, क्या इसके रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। और इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका दिल्ली में है और कोऑपरेटिव ऑफिस जो है इसका नोएडा में है। अब मैं आपको इसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊँगा। देखिए, इसमें जो वैकेंसी है वो जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की आई हुई है और इसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी अभी स्पेसिफाइड किया नहीं गया है। पे स्केल की बात करें तो 12,000 से लेके 20,600 रुपये तक पे स्केल है इसमें स्टार्टिंग में, देन आपकी इसमें बाद में इम्प्रूवमेंट होगा। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्राइटेरिया जान लेते हैं कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्राइटेरिया है। तो देखिए, एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें आपको कॉमर्स के कैंडिडेट जो हैं जिनके 60% आ रखे हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और एम कॉम के भी स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि बी कॉम के ग्रेजुएट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो 27 साल जो है मैक्सिमम है और इसकी जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी दिया जा सकता है। और सिलेक्शन जो इसका प्रोसीजर होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा। और जो एग्ज़ाम होगा, सेंटर होगा एग्ज़ाम का, वो आपका नोएडा, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया है। मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इसका एजुकेशन सेंटर है। थोड़ा सा हम एजुकेशन फ़ी के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसका एजुकेशन फ़ी है। तो इसका जो एजुकेशन फ़ी है वो 450 रुपये का असिस्टेंट ग्रेड का है ये जो वैकेंसी है। और बाकी चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि इसका में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बी कॉम के कैंडिडेट और एम कॉम के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जो है इसका जॉब प्रोफाइल अगर आप देखना है तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके इसकी जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल है आपको इस जो आपको ये पोस्ट मिलेगी उसमें आपकी क्या प्रोफाइल रहेगी। तो यहाँ पे पूरा विवरण दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात तो बता ही दिया है कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 90 मिनट का होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन, आप यहाँ से जाके या भी इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 450 रुपये है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा, जो टेस्ट होगा, वो आपका जो है नोएडा, भोपाल, हैदराबाद, मुंबई, ये चार जगह जो है आपको सेंटर दिए जाएंगे। और देन आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगी उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम और पर्सनल इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के बनेंगे। तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं जिससे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लिंक क्लिक करते ही कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्री करने के बाद यहाँ से आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। तो इसकी जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो 5 दिसंबर 2017 है, इस मतलब ये इस दिन स्टार्ट हो रहा है। और जो लास्ट डेट है इसका वो 4 जनवरी 2018 है। और इसका जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा वो 4 फरवरी 2018 को इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सो फ्रेंड, ये थी क्रिवको में आई ही वैकेंसी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट भी करें।